यू नो वॉरियर क्या होता है, जिसके सबसे ज्यादा चोट लगी रहती है वो लगता है कि सबसे ज्यादा बैटल्स उसने ही लड़े हैं। उसको कुछ दिन हुए थे एकेडमी जाते हुए, नया नया एडमिशन लिया था, बच्चा ही था, तो कोच साहब ने वो रस्सा चढ़वाते ना जो, तो रस्से से ऊपर चढ़ गया और कोच साहब दूसरे बच्चे को समझाने लगे, तब तक वो उसको ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इसने ऊपर से हाथ छोड़ दिए, नीचे गिरा तो एकदम ब्लैकआउट हो गया मेरा, ये शोल्डर और ये पूरा मतलब ब्रेक हो गया था। मुझे कॉल आई, मैं हॉस्पिटल ले गए, वहाँ प्लास्टर चढ़वाया, तो आते हुए इसने मुझसे जो कहा हद ही कर दी कि पापा कल खेल सकता हूँ। मुझे तो पसंद था, चोट वोट लगी कि भाई एक चोट लगी हुई है, देखो देखो मेरे चोट लगी है, मैं तो दिखाता था कि जैसे यहाँ लगी थी तो मैंने कहा देख देख चोट लगी है, हमेशा दिखाता हूँ। यू नो वॉरियर क्या होता है, जिसके सबसे ज़्यादा चोट लगी रहती है वो लगता है कि सबसे ज़्यादा बैटल्स उसने ही लड़े हैं। और मेरे पापा कहते थे चोट तो गहने हैं इंसान के, तो फिर ऐसी मैं सोचता था, फिर सोच भी ऐसी होगी मेरी। उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, स्कूटर होता था, इसी मम्मी को मैंने एक स्कूटी दिला रखी थी। मेरी किट बैग थी बड़ी, तो मम्मी बैठती थी बीच में किट बैग, फिर मैं बैठता था। आप यकीन करेंगे कोई कल 4-5 बार ऐसा हुआ कि रास्ते में सो गया, तो इसको ऐसे मैं पीछे से ऐसे पुश करके, मैंने कर तिक तिक, तो ऐसे ऐसे करके मतलब इसको फिर मैं वहाँ स्कूटी पे ले जाती थी। तो मम्मी जानबूझ के एक बार स्कूटी भी ला देती थी कि ना उठ जा, क्या कर रहा है उठ जा। मम्मी हमेशा कहती थी फन कर, जब भी जो भी चीज़ करे इंजॉय कर उसे, तो इंजॉय मुझे लगता है जो मैं इंजॉय करता हूँ गेम को, तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा क्या काफ़ी मम्मी की वजह से भी।